गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ांगे फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानि कि इन्हों पांच नियम भी कहा जाता है लाइब्रेरी के। इन्हों नियमों का निर्माण डॉक्टर श्याली राम मेहता रंगानाथन अय्यर द्वारा किया गया सी। फाइव लॉज नू पंजाबी विच पांच सूत्र के नाम नाल भी जाणिया जांदा है। इन्हों नियमों की कल्पना रंगानाथन ने 1924 ईस्वी विच कीती सी। उसने सिर्फ कल्पना ही की 1924 ईस्वी दे विच। फिर इसका प्रतिपादन 1928 विच कीता गया सीगा। प्रतिपादन का मतलब हुंदा है कोई चीज़ रख के उस तो बाद उसनू लिख लेना, उन्हों की कहते हैं प्रतिपादन कहते हैं। जो कि उन्हें उन्होंने प्रतिपादन कित्थे कीता सीगा, मीनाक्षी कॉलेज अनामली नगर विच कीता गया सीगा। इसका पहला संस्करण 1931 ईस्वी विच सी अते दूजा संस्करण 1957 ईस्वी विच होया सीगा। जेड़ा डॉक्टर रंगानाथन का पूरा नाम है डॉक्टर श्याली राम रत्ता रंगानाथन अय्यर, पर जेड़ा इहदे विचों श्याली सीगा वो इसका नाम नहीं हैगा, मतलब पूरे नाम दे नाल जोड़िया गया। श्याली डॉक्टर एस आर रंगानाथन के पिंड का नाम सीगा जो कि इहदे नाम नाल जोड़िया गया। तो जेड़ा राम रत्ता सीगा वो इन्हां दे पिता जी का नाम सीगा। अय्यर इन्हां दी जात सीगी। इन्हां दा खुद का नाम सिर्फ रंगानाथन ही सीगा, पर पूरा नाम इदा ही लिखा जाता है डॉक्टर श्याली राम रत्ता रंगानाथन अय्यर। इस उस तो बाद इस किताब का प्रकाशन जिहड़ा होया पब्लीकेशन यानी कि 1931 दे विच होया, उन्होंने मतलब की है इहदी कल्पना कदों कीती सी 1924 दे विच कीती सी। ते कोई चीज़ लिख के अपने कोल रख लैनी, मतलब प्रतिपादन कदों कीता सीगा 1928 दे विच कीता सीगा। इहदा पहला संस्करण कदों होया सीगा 1931 दे विच होया सी अते दूजा संस्करण 1957 दे विच होया सीगा। इस किताब का प्रकाशन जिहड़ा पब्लीकेशन है वह 1931 दे विच ही होया सीगा, मतलब पहला संस्करण 1931 दे विच, प्रकाशन 1931 दे विच ही होया सीगा। दा मद्रास लाइब्रेरी एसोसीएशन द्वारा किया गया सीगा इहदा प्रकाशन। दा मद्रास लाइब्रेरी एसोसीएशन दे द्वारा इसका प्रकाशन किया गया सीगा। इसे किताब का प्रकाशन 1931 ईस्वी विच, जिहड़ी इह किताब सीगी इहदा प्रकाशन 1931 ईस्वी दे विच पर दो वार दो संस्थावां द्वारा किया गया सीगा। पहला सीगा द मद्रास लाइब्रेरी एसोसीएशन, दूसरा हैगा सीगा 1931 दे विच ही किया गया सीगा द एडवर्ड गैलस्टोन लिमिटेड लंडन। द एडवर्ड गैलस्टोन लिमिटेड यूनिवर्सिटी लंडन इंग्लैंड तो किया गया सीगा। तो इहदा मीडियम इंग्लिश सीगा। जे कई बार पूछ भी लेंदे ने कि इहदा प्रकाशन कदों होया सी, इहदा प्रकाशन 1931 दे विच होया सी, बट दो जगहां ते होया सीगा। एक होया सीगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसीएशन दे विच, दूसरा होया सीगा लंडन दे विच इंग्लैंड लंडन इंग्लैंड दे विच कीता गया सीगा। इस पुस्तक की प्रस्तावना TPC शिवा स्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई सी। प्रस्तावना मतलब जिहड़ा हुंदा थोड़ी जी लिखी हुंदी है अगे फ्रंट ते, उसनू प्रस्तावना कहिंदे ने। ते जिहड़ी इस पुस्तक की भूमिका है मतलब इंट्रोडक्शन, वो WC सेयर ने लिखी सी। इन्हां दा पूरा नाम है विलियम चार्लस बैरविक। पंज सूत्रां दा प्रयोग हरेक प्रकार की लाइब्रेरी विच कीता जांदा है। इन्हां नियमां नू मौलिक नियम जां फंडामेंटल लॉज भी कहा जाता है। डॉक्टर एस आर रंगानाथन की पहली फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी बुक सीगी, जिहड़ा डॉक्टर एस आर रंगानाथन सीगा उहदी पहली बुक सीगी वह फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी ही सीगी, उहदी कोई होर बुक नहीं सीगी। उहदी पहली बुक फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी ही आई सीगी। WC रंगानाथन दे लाइब्रेरी गुरु मन्ने गए सी, मतलब पहले लाइब्रेरी गुरु मन्ने गए सीगे। उन्हां दे देख रेख दे विच ही इन्होंने मतलब लाइब्रेरी दे बारे जानकारी प्राप्त की सीगी। हुण आ जाओ नियमों वल। लाइब्रेरी दे फाइव लॉज ऑफ मतलब फाइव लॉज ने गे
लाइब्रेरी साइंस से, जिद जिन्हों पंजाबी निजम भी कहने। पहला ला हैगा इहदा बुक्स आर फॉर यूज, किताबां उपयोग लई हन, जिहड़ियां बुक्स ने गियां इह उपयोग लई हन, इह डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कहा सीगा। बट ये डॉक्टर इस निजम नूं डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने अपने गुरु, एक तो उन्हां दे गुरु सीगे WC बैरविक एंड दूसरे सीगे एडवर्ड ब्राउज, उन्हां दी देखरेख दे विच उन्होंने लाइब्रेरी दा काम सीखिया सी। एडवर्ड ब्राउज दे देखरेख विच उन्होंने की सीगा अगे जो बुक्स वगैरह लिखनिया शुरू कीतियां सीगियां, तां उन्होंने एडवर्ड ब्राउज नूं समर्पित किया सीगा ये पहला निजम, किताबां उपयोग लई हन। अगला इहदे विच बुक्स नूं अगे जो नैक्सट ईयर हुंदा गया बुक्स नूं कई नावां दे नाल जाणिया जाण लग्या। पहलां सिर्फ बुक्स कहा जांदा सीगा, दो अगे डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाण लग्या बुक्स नूं, बुक्स नूं डॉक्यूमेंट्स भी कहा जांदा है। डॉक्यूमेंट वर्ड दा प्रयोग मैके गौरमैन ने किया सीगा। फिर हौली हौली बुक्स नूं 2015 दे विच नॉलेज कहा जाण लग्या, बुक्स नूं नॉलेज दा नाम दिता गया 2015 दे विच बी सिद्धार्थ ने। अगे 2016 दे विच बुक्स नूं ही सोशल मीडिया दा नाम दिता गया बाय डॉक्टर अंचला मोनीजल ने। अगे जिहड़ा पहला नियम है अपना बुक्स आर फॉर यूज, इहदे अगे उपसूत्र भी है थोड़े जे, इन्हां उपसूत्रां नाल ही मतलब जो ये पहला निजम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उपसूत्र हैगा लाइब्रेरी का स्थान, सैकेंड हैगा लाइब्रेरी का समा, थर्ड हैगा लाइब्रेरी कर्मचारी, फोर्थ है जिल्दबंदी, फिफ्थ है लाइब्रेरी का भवन और उपकरण, सिक्स्थ है लाइब्रेरी का प्रचार। सब तो पहला है लाइब्रेरी का स्थान, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। मान लो असी बुक्स यूज करन लई कह रहे हैं, किताबां उपयोग लई हन, तो उहदे लई सानू की होगा, सानू लाइब्रेरी दा स्थान भी वधिया चाहिदा होगा ना, ताकि जिथे हर कोई आके बुक्स नू यूज कर सके। तो उहदे लई मैटर करदा है कि साडी लोकेशन किदां दी है, लाइब्रेरी दी साडी लोकेशन इदां दी होनी चाहीदी है कि जिथे हर कोई आसानी नाल आ जा सके ते अपनी बुक्स नू यूज कर सके। नैक्सट हैगा लाइब्रेरी का समा, डिपेंड करता है लाइब्रेरी के समय पर, लाइब्रेरी कितना टाइम खुलती है, फुल डे खुलती है जा मतलब वो टाइमिंग है, तो उन्हें कितने लोग यूज कर रहे ने जा यूज कर सकते हैं, इसलिए लाइब्रेरी का समा इदां दा होना चाहिए कि उसनों हर कोई आके यूज कर सक, उन्हां दे बुक्स नूं हर कोई आके यूज कर सके। थर्ड हैगा लाइब्रेरी कर्मचारी, लाइब्रेरी कर्मचारी ते भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी कर्मचारी दा नेचर किदां दा है, लाइब्रेरी कर्मचारी दे मतलब किदां वो जो भी बुक्स लैण लई आउंदे ने यूजर्स, उन्हां नाल मतलब उन्हां दा बिहेव किदां दा है, किदां उन्हां दी मतलब जो भी उन्हां नूं बुक्स की जरूरत हुंदी है उन्हां दी जरूरत नूं पूरी कीती जांदी है, जां उन्हां नूं मतलब हर एक सुविधा प्राप्त कीती दित्ती जांदी है, ये लाइब्रेरी कर्मचारी ते डिपेंड करदा। अगे फोर्थ हैगा जिल्दबंदी, जिल्दबंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेकर जिल्द बुक्स के उपर जिल्द नहीं होगी है ना, तो मतलब जो भी बुक है चार पेज उसके अगों फटे होंगे, पांच पेज उसके पिछों फटे होंगे, तो इस नाल की है सानू पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इसलिए जिल्दबंदी भी लाइब्रेरी के विच बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है, हर एक बुक पर जिल्दबंदी होनी चाहिए है। नैक्सट हैगा लाइब्रेरी का भवन उपकरण, लाइब्रेरी का भवन उपकरण, भवन का मतलब लाइब्रेरी की इमारत किदां दी है, किदां दी फैसिलिटीज़ उत्थे सानू दित्तियां गईयां ने, जां किदां दीयां बुक्स नू रैंक्स दे विच रख्या गया है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगला है लाइब्रेरी का प्रचार, कि लाइब्रेरी का प्रचार हो रहा है या नहीं, मतलब सानू किन्नी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है लाइब्रेरी बारे, तो किन्ने के लोग जागरूक ने लाइब्रेरी बारे, ये सारे उपकरण ये सारे जिहड़े उपसूत्र ने ये फस्ट नियम दे विच आउंदे ने। अगली वीडियो दे विच आपां नैक्सट सैकेंड नियम करांगे, सैकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी। थैंक यू।